हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये तीज का ब्लॉग है और मैं आप सभी से ये शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी छोटी सी दुनिया में किस तरह से सादगीपूर्ण तरीके से तीज को सेलिब्रेट किया। तो घर की साफ़ सफाई कर लेने के बाद, नहा लेने के बाद मैं यहाँ पर पूजा के लिए गुजिया बना रही हूँ, तो जिसको हम लोग पड़किया भी बोलते हैं, तो उसी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे बाबू भी जस्ट सो के उठा है। जब मैंने कढ़ाई बैठाई थी चूल्हे पर तभी ये उठ गया, तो इसको संभालते हुए मुझे बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बाबू को संभालते हुए मैं अपने काम कर रही हूँ। और सूजी की पड़किया बनानी है मुझे, तो यहाँ पर सूजी का स्टफिंग तैयार कर ले रही हूँ। और यहाँ पे ये थोड़ा सा परेशान हो रहा था, तो यहाँ पे मैं इसको बहलाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे मैं उसको अपने हाथों की जो मेहंदी है उसको दिखलाकर उसको बहलाने की कोशिश कर रही थी। एक हाथ में तो मेहंदी मैंने खुद से ही लगा लिया था, लेकिन दूसरा हाथ में लगाना मुश्किल था, तो उसको मैंने अपने हस्बैंड को बोला था लगाने के लिए, तो बस उनको मैंने लगाने के लिए बोल दिया और उसके बाद मैं सो गई थी। तो उनको जो मन किया वो हाथ में लगा दिए और बिल्कुल बकवास सा लगा दिए थे। फिर भी क्या करें, बस हाथ को हमको लाल करना था, तो बस एक शगुन के तौर पे मेरे हाथों में मेहंदी उन्होंने लगा दिया और जैसा भी था ठीक ही था। तो यहाँ पे बस बात करते करते यहाँ पे मेरा जो स्टफिंग है उसको मैंने रेडी कर लिया है और अभी बस पूजा के लिए बनाना है, तो बस थोड़ा ही सा बना लेंगे और पूजा करके आने के बाद में बाकी बात पड़किया जो है वो बनाऊंगी मैं। और आज का दिन इतना बिजी भरा है कि पूछिए मत। सुबह से जो काम में लगे हुए सो लगे ही हुए हैं और जो पूजा के सामान होते हैं वो भी मैंने नहीं मंगाया था, तो घर के जो काम होते हैं वो उन सभी कामों को ख़त्म करने के बाद मैं चल गई थी मार्केट। और उसके बाद में सभी सामान को लाने के बाद में नहा के मैं यहाँ पे जो पूजा का पड़किया बनता है वो मैं बना रही हूँ। और मुझे ठेकुआ भी बनाना था, लेकिन इतना समय नहीं है कि मैं अभी ठेकुआ भी बनाऊँ, क्योंकि 2 बजे से पहले ही पूजा करने का था, क्योंकि जो तृतीया का जो मुहूर्त होता है वो 2 बजे तक ही था, उतना ठीक से याद नहीं है पर 2:30 यही आसपास तक ही था, तो इसलिए उससे पहले ही मुझे पूजा करनी थी। तो यहाँ पे बस जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी में लगी हुई हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे पड़किया बनाने के बाद मुझे पूजा की जो थाली है वो भी सजाना है और फिर रेडी भी होना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ रहा था। और अगर घर में छोटा बच्चा हो तो उससे और भी लेट हो जाता है, बच्चे को भी संभालना पड़ता है और फिर घर के काम भी रहते हैं और इन सब की तैयारी भी, इन सभी चीज़ों में बहुत लेट हो जाता है। फिर भी कोशिश यही था कि जल्दी जल्दी कर ले और जल्दी टाइम पे मैंने पूजा कर भी लिया। तो यहाँ पे पूजा की थाली मैंने सजा लिया है, बस जो घी का दिया होता है वो मैं यहाँ पे अच्छे से भर ले रही हूँ और उसके बाद पूजा की थाली मेरी सज जाएगी। और इस टाइम पे तो दिमाग में बस यही चलते रहता है कि कुछ सामान छूट ना जाए और याद कर करके सभी चीज़ों को जोड़ जोड़ के रखना पड़ रहा था। तो थाली वगैरह सज गई है मेरी और अब बस मुझे रेडी होना है। तो यहाँ पर मेरी साड़ी यहाँ पे निकाल लिया है मैंने और यही साड़ी मैं पहनने वाली हूँ अभी। और मेरी जो साड़ी है उसका मैचिंग मुझे चूड़ी लेना था आज, लेकिन आज तीज का ही दिन था तो फिर जितने भी सिंगार के दुकान थे उन सभी दुकानें बंद थी, तो बस एक ही दुकान खुला था, तो वहाँ मैंने इस साड़ी का मैचिंग चूड़ी खोजा पर वहाँ मिला नहीं, बस येलो कलर का जो मोटा वाला होता है साइड पहनने वाला वो मिला, तो मैंने रेड कलर का जो प्लेन चूड़ी होता है वो ले लिया। और रेड कलर का चूड़ी जो है वो सब चीज़ में अच्छा ही लगता है और ये तीज त्यौहार में रेड कलर की चूड़ी अच्छी भी लगती है पहनने में। तो यहाँ पे मैंने प्लेन वाली जो चूड़ी होती है वो रेड कलर की ले ली थी और साइड में पहनने के लिए येलो कलर की मोटी वाली ले ली थी। तो उसको पहन लेने के बाद में अभी मैं आलता भी लगा ले रही हूँ, तो यहाँ पे आलता, चूड़ी, पायल, बिछिया इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ और पहन ले रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा आलता लग चुका है और अब बस मुझे बालों को कंघी वगैरह करना है, बस जल्दी जल्दी तैयार होने में लगी हुई हूँ। और इस टाइम पे मेरे यहाँ लाइट भी कट गया था तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, तो यहाँ पे बस रेडी हो गए हैं। और आज मैंने पूरा नाक से भर के सिंदूर लगाया है, तीज के दिन में ये सब अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने नाक से भर के सिंदूर लगाया है।
और बस रेडी हो गई हूँ और अभी मुझे पूजा करने के लिए जाना है। तो पूजा करने मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ और मंदिर में ही पूजा करती हूँ, और घर में भी आके पूजा करना रहता है मुझे। हमारे यहाँ गांव की जो औरतें होती हैं वो लोग पूरे इकट्ठे होके पंडित को बुला के अपने घर में ही पूजा करती है, पर मैं यहाँ पर सामने मेरे मंदिर है तो मैं हमेशा मंदिर में ही पूजा करती हूँ, और मंदिर में पूजा करने के बाद मैं घर में भी पूजा करती हूँ और घर में ही कथा सुन लेती हूँ अपने हस्बैंड से, तो वही मुझे कथा सुना देते हैं और बस मेरा पूजा हो जाता है सिंपल तरीके से। पूजा होने के बाद में अंत में जो हरतालिका तीज का जो कथा होता है उसको सुनना जरूरी होता है, और उस कथा में माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए जो कठोर तप किए हैं उन सभी चीज़ों के बारे में पूरा विस्तार से दिया हुआ है। और इस व्रत का नाम हरतालिका तीज इसलिए रखा हुआ है क्योंकि माँ पार्वती को उनकी सखियों ने हर कर जंगल ले गई थी, तो इसलिए, और वहाँ पे वो जंगल में कठोर तप करने के बाद में शिव जी को पति के रूप में पाई थी, तो इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज रखा हुआ है। और पूरा निर्जल उपवास रखना पड़ता है, और इस कथा में लिखा हुआ है कि जो दूध पीता है वो सर्प बनता है, और भी बहुत सारे चीज़ लिखे हुए हैं, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि रात को सोना नहीं है, जागरण करना है। तो आजकल तो इतना कोई कर नहीं पाता है, रात को जागरण करके रात भर जागना इतना पॉसिबल नहीं है, तो उतना तो नहीं कर पाते हैं। तो व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना पड़ता है, नहीं तो जो पूजा है वो संपन्न नहीं होती है। तो यहाँ पे ये सुबह अगले दिन का क्लिप है, मैं जा रही हूँ ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के लिए। हमारे गांव से थोड़े से दूर में ही गांव है इनका, तो यहाँ पे मैं जाती हूँ और जो भी दान दक्षिणा देने का होता है वो दान दक्षिणा देकर घर आके अपने व्रत का जो पारण होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ।